हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर कार्स। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों, आज हमारे साथ में है 2024 की सबसे शानदार गाड़ी, अगर आप देखा जाए मीडियम फैमिली के लिए, जो एक टार्जन लुक वाली गाड़ी है ना दोस्तों, वो है ये न्यू स्विफ्ट। और इसको चलाते हैं हमारे हिमांशु भाई, जो को अभी रिसेंटली इन्होंने गाड़ी परचेज की है। VXI ऑप्शनल मॉडल है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि जो भी आपके डाउट है इस न्यू स्विफ्ट से रिलेटेड, वो आज डाउट आपके सारे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इस गाड़ी को चलाया हुआ है। और साथ में इनके पास पुरानी वाली भी स्विफ्ट है, तो पुरानी वाली और नई वाली दोनों स्विफ्ट का एक्सपीरियंस हिमांशु भाई के साथ में। सबसे पहली चीज़, हिमांशु भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। या एंड आज मैं आपको एक एक चीज़ आपसे पूछूंगी, सो प्लीज़ जनरली सारे तरीके से बताइएगा। ओके। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। सो बिना किस तरीके चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हिमांशु भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने ये स्विफ्ट आपने कब खरीदी थी? अभी मुझे रिसेंटली 2 वीक हुआ है इसको परचेस किए हुए, जस्ट मैंने 2 वीक पहले इसको परचेस किया है। अच्छा, यस। और इसके पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले भी हमारे पास स्विफ्ट ही थी, वो जो पहले वाला मॉडल आता था, तो वो मैंने परचेस वो कब खरीदी थी आपने? वो समथिंग अराउंड 2021 में। 2021 के लास्ट में। अच्छा, पहले से मारुति चला रहे थे, वो भी स्विफ्ट चला रहे थे, वापस से फिर स्विफ्ट में आने का कैसे मन हुआ? और कोई गाड़ी पसंद नहीं है क्या? हाँ, मैंने और भी ऑप्शंस देखे थे लाइक स्विफ्ट के बाद। काफ़ी सारे लोगों ने फैमिली में भी बोला कि स्विफ्ट ऑलरेडी है हमारे पास, हाँ। तो किसी दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने टाटा पंच देखी एंड उसके बाद किया सोनेट देखी, 2-3 ऑप्शंस और देखे, हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस देखी, हाँ। बट उन सब में से स्विफ्ट मुझे ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि इसके अंदर का डैशबोर्ड, बाहर का लुक, सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट किया इसका बाहर का लुक। अच्छा। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इसका कलर रिफ्रेशिंग सा लुक मिल रहा था। यस, आप अगर देखें मार्केट में, मतलब बाहर वाइट कलर और ग्रे कलर नॉर्मली दिख जाता है, बट हाँ। ब्लू कलर यूनिक कलर है, तो लेकिन इसको थोड़ा मेंटेन करना बड़ा मुश्किल रहता है। वो तो है, बट इट्स माई चॉइस, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी पहले से, तो इस वजह से मैंने ये प्रेफर किया। अच्छा, पंच में क्या अच्छा नहीं लगा आपको? पंच में पहली चीज़ तो उसके इंजन से जो आवाज़ आना, लाइक ये काफ़ी साइलेंट है, इसको अगर स्टार्ट करते, स्टार्ट भी रहती तो समझ में नहीं आता। थ्री सिलेंडर ये भी है, वो भी 3 सिलेंडर है। हाँ, दोनों ही 3 सिलेंडर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आता है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा समझ में आता है, उसका थोड़ा सा शेप, बॉडी शेप भी नहीं अच्छा लगा, एंड लुक वाइज भी थोड़ी कम अच्छी लगी। इसके अगर बात करी जाए तो ये थोड़ा सा, मतलब लग्जरी लुक में आ जाती है, तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ओके, अच्छा, किया सोनेट में क्या अच्छा नहीं लगा? किया सोनेट पे उसका माइलेज थोड़ा सा कम था, एंड माइलेज की वजह से बस वो थोड़ा सा मैंने लिया, बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। अच्छा, आजकल सभी लोग कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उनकी पहली चॉइस आजकल थोड़ी सेफ्टी हो गई है, तो सेफ्टी पर्पज से लोग टाटा की तरफ में जाते हैं, तो वो वाला माइंडसेट आप में था थोड़ा सा सेफ्टी को लेकर? अब सेफ्टी तो डिपेंड करती है हमारे ऊपर कि हम किस तरीके से गाड़ी को चलाते हैं। अच्छा, है ना, सेफ देखा जाए तो अगर हम BMW भी ले लें तो एक्सीडेंट उस पर भी होंगे, तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये था कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है सेफ्टी का कि हम किस तरीके से चलाते हैं। बाकी ठीक है, इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है सुजुकी की, इस वजह से और थोड़ा सा फैमिली में प्रेफर किया इस चीज़ों को। इवन अभी तो माइलेज इसका बढ़ गया है कंपनी क्लेम। yes. आपको कंपनी ने कितना बताया था? हाँ, मेरे को 28 बताया था। 28, हाँ, वैसे इतना मतलब कंपनी बोल रही है कि ये गाड़ी निकाल के देगी। लेकिन इस गाड़ी के साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि काफ़ी लोग आजकल बता रहे हो, बहुत लोगों के साथ में ये डाउट भी है एक्चुअल में, ये है कि पुरानी वाली जो स्विफ्ट आ रही थी अभी तक जो थी, वो 2023 तक जो आपके पास में पुरानी वाली है, तो उसमें क्या था, 4 सिलेंडर इंजन था, बट अभी इसमें क्या है कि 3 सिलेंडर इंजन किया गया। अब आपने इतनी चला ली है, तो इस दौरान 3 सिलेंडर क्या थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक आपको लगा है? अगर लिटरली बताऊं तो मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आया, ना ही अच्छा। पिकअप के मामले में, हाँ, एवरेज के मामले में थोड़ा सा ये बेटर है, एवरेज इसका ज़्यादा अच्छा दे रही है, ये अच्छा दे रही है। और बाकी अगर बात करें चलाने में, तो स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा है इसमें, और मेरे को ऐसा कोई अभी इशू समझ में नहीं आया अभी दोनों में, पुरानी वाली और इसमें, दोनों में कौन सा चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है? ये वाली भी ज़्यादा ज़्यादा मज़ा आता है, बिल्कुल। ओके, और जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो मतलब वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं करती अंदर? नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। अगर AC भी चलता है तो भी ज़्यादा वाइब्रेशन, ये माइनर वाइब्रेशन तो होते हैं लाइक, हाँ। लेकिन इतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। ठीक है, ओके ओके, मतलब AC चलेगा, कोई ऐसा खास दिक्कत? हाँ, कोई खास दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी फैमिली को गाड़ी कितनी पसंद आई?
फैमिली को बस मेरी मम्मा को थोड़ा सा कलर का इशू हो रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था ब्लू कलर होगा, पता नहीं कैसा वाला ब्लू होगा, बट जब लाइव सामने से देखा उन्होंने कलर को तो बहुत अच्छा लगा, फैमिली में सबको बहुत अच्छी लगी ये गाड़ी। ओके अच्छा, वैसे आपको बता दें इस गाड़ी में 6 एयर बैग आते हैं और आप किसी भी वेरिएंट लेते हैं, यानी कि अगर आप बेस मॉडल ही परचेस करते हैं तो उसमें भी आपको 6 एयर बैग मिलते हैं। 6 एयर बैग क्या आपके लिए आपकी फैमिली में थोड़ा सा एक इफेक्टिव लगा या नॉर्मल सा लगा ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल इफेक्टिव लगा, क्योंकि जैसे बात करें पुरानी वाली इस में आई थिंक 4 एयर बैग थे, इसमें 6 एयर बैग है, तो काफ़ी इफेक्टिव लगा। मतलब वो एक सिक्योरिटी के लिए, हमारा सेफ्टी के लिए एक फीचर, मतलब एक भरोसा थोड़ा सा और बढ़ गया, भरोसा और बढ़ गया है। ये चीज़ काफ़ी बेहतर हो गई। दोस्तों अगर बात कीजिए इस गाड़ी के लुक के बारे में, बहुत ही शानदार लुक के साथ में आ जाती है और काफ़ी न्यू रिफ्रेशिंग सा लुक इसका मिलेगा। स्पेशली अगर आप इसकी ग्रिल देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी ग्रिल आपको मिल जाती है। अच्छा मुझे ये बताइए, इसमें लाइट जो दी गई है प्रोजेक्टर दी जाती है? यस, ये तो हैलोजन है मेरे हिसाब से इसमें। हाँ, ये ऑप्शनल में। इसके ऊपर का सारा एलईडी रहता है, वो सारा एलईडी तो ये कितना इफेक्टिव, रात में अच्छे से वर्क करता है? हाँ, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, मतलब काफ़ी अच्छा, ठीक है, फोकस वगैरह सारी चीज़ें ठीक है। अच्छा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं किसी नहीं, तरीके कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा है। सस्पेंशन कैसे इस गाड़ी के? अभी तक मुझे जो समझ में आया है काफ़ी, मतलब अभी तो लॉन्ग टूर पे हम लोग गए नहीं है, हाँ। लोकल में ही चलाइए, लेकिन लोकल के हिसाब से जितना मैंने जो ड्राइव किया है मेरे को बेटर लगा। बेटर लगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग, हम लोग इसमें समथिंग 5 से 5 लोग भी बैठ के चलाया है इसको, 5 लोग भी बैठे हैं, तो कोई उसमें डिफरेंस समझ में आया नहीं, सब ओके। अच्छा, जैसे 5 लोग आपने बैठाल के चलाया, वो तो 5 लोग में कैसा ये थोड़ा सा, मतलब पावर जो है वो आपको कम तो नहीं लगता है? पावर कम नहीं लगता, एक्सलेट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथ चल रही है बिल्कुल। अच्छा, अभी तक ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं? अभी तक ऐसी दिक्कत कोई आई नहीं है फिलहाल, सब मेरी हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं इसको 5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। अच्छा, 5 में से 5 स्टार रेटिंग देना चाहेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि मारुति में ही क्या है कि आजकल बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक अगर आप देखोगे तो नेक्सा में बलेनो है जो कि थोड़ी सी इससे बेटर है, प्लस में बलेनो से भी ऊपर आ जाती है आपकी फ्रॉन्क्स आ जाती है, फ्रॉन्क्स के ऊपर नज़र क्यों नहीं गई? देखी फ्रॉन्क्स भी थी, बलेनो भी। अच्छा। मैंने ड्राइव करी थी, बट बलेनो में चलाने में थोड़ा सा एक भारी पंसा लग रहा था, मतलब वो थोड़ा सा हैवी चल रही थी। अच्छा। और फ्रॉन्क्स में अगर देखा जाए तो फ्रॉन्क्स और बलेनो ऑलमोस्ट, मतलब अगर बलेनो को और ग्रैंड विटारा को मिक्स कर दिया जाए तो फ्रॉन्क्स बन जाती है। ओके। तो मेरे को भी मतलब अगर फ्रॉन्क्स पे जाते तो बलेनो ही ठीक थी, फिर उस हिसाब से ज़्यादा कोई डिफरेंस लगा नहीं, लेकिन ओवरऑल मुझे स्विफ्ट ज़्यादा उनसे। फ्रॉन्क्स कैसी लगी आपको? फ्रॉन्क्स ठीक लगी, बट उसको उसकी मतलब हाइट थोड़ी सी कम है। ओके तो ये ज़्यादा है। अब हम लोग बातें करते हैं कुछ गाड़ी के अंदर, आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर, क्योंकि इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा खास है और काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है पहले वाली स्विफ्ट से। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर में और यहाँ पे आपको बता दें गाड़ी अभी स्टार्ट है और इंजन भी चल रहा है, सॉरी एसी भी चल रहा है इस टाइम पे, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 पॉइंट पे अभी फ़ैन ऑन है हमारा, ये पर्टिकुलर कूल कर रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से। सो आप मुझे ये बताइए, पुरानी वाली स्विफ्ट है उसमें उसका इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगता है या ये नया वाला इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे ये नया वाला इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसका इंटीरियर सेम टू सेम ब्रेज़ा वाला दिया हुआ है। अच्छा। मैं ब्रेज़ा में बैठा, सेम इंटीरियर, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं लगा मुझे इसमें, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, और एसी की अगर बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी इसमें दिया गया है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा कूलिंग करता है, लाइक अगर हम विद इन मुझे लग रहा है कि 30 सेकंड के अंदर ये कूलिंग कर देता है। ओके, VXI ऑप्शनल ही मॉडल आपने क्यों चूज़ किया था? अब अगर हम देखें तो जो फीचर्स टॉप मॉडल में है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सभी फीचर्स इस VXI ऑप्शनल मॉडल्स में आते हैं, लाइक पुश बटन स्टार्ट हो गया, एंड बस इसमें एक चीज़ नहीं है, रियर एसी वेंट नहीं है जो कि टॉप मॉडल में दिया जाता है, और हाँ। जो LED हेडलैम्प होते हैं वो नहीं दिया हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो टॉप मॉडल में आते हैं वो इसमें। कुछ बाहर से लगवाए कुछ आप? नहीं, अभी तो कुछ भी बाहर से नहीं लगवाया, अभी सारा कुछ सब इनबिल्ट है, सब कंपनी इनबिल्ट है। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो आपके सीट्स लगे हुए हैं एक्चुअली थोड़ा सा बनियाइन टाइप के सीट कवर लग रहे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा मतलब आप देखोगे बाहर अगर आप करवाते हो तो पूरा फुल मिलते हैं, अभी यहाँ पे कंपनी ने चेंज किया 6 एयर बैग्स के साथ में, तो ये कैसे लगते हैं? तो थोड़ा सा अब हाँ थोड़ा सा मेरे थोड़ा को इसमें, चेंज हाँ, लगता है, थोड़ा सा चेंज लगा मुझे इसमें, सीट का थोड़ा सा कम समझ में आया, बाकी ये कंपनी लेकिन वैसा ठीक है, क्योंकि 6 एयरबैग के साथ में तो साइड में भी एयरबैग वगैरह दिया हुआ है, हाँ। तो ठीक है, आराम से, कोई प्रॉब्लम उतना खास है नहीं। एक्सेसरीज क्या कंपनी से जबरदस्ती मिली थी या आपने चूज किया था? नहीं, चूज किया था। चलो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो सारी चीज़ें मिली, कंपनी ने 11,000 समथिंग कुछ ऑफ दिया था एक्सेसरीज में। कितने की पड़ी थी ऑनरोड एग्जैक्टली? एग्जैक्टली ये पड़ी है 885 की, 8,85,000 की विद एक्सेसरीज।
सही है वैसे। सो दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी 3 सिलेंडर है और अभी हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, कोई भी नॉइज़ वगैरह ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा किसी भी तरीके का, काफ़ी साइलेंटली अभी एसी भी ऑन है, तो ऐसा कोई खास प्रॉब्लम वाली बात इसमें बिल्कुल किसी भी तरीके की नहीं है इसमें तो। और ये गियर है, एक बार आप दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करके ज़रा दिखाइए, तो मैं दिखाना चाहता हूँ क्या ये वाइब्रेट करता है ऐसा कुछ। अभी गाड़ी ऑफ है, हाँ, एंड ये गाड़ी स्टार्ट, बहुत सही है, मतलब बिल्कुल भी साउंड नहीं आती है इसमें। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको दे दिया जाता है और नॉइस तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की नहीं आती, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है बहुत ही अच्छी तरीके से। एसी ऑफ करते हैं तो so, शांत हो जाती है, स्टार्ट है गाड़ी अभी। हाँ ये चीज़ मतलब काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा रियर में जैसे फैमिली बैठती तो पीछे एसी नहीं दिया गया है तो पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉपर कूलिंग करती है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से, चलो ये सही चीज़ है। वैसे इनके साथ में हिमांशु भाई बैठे हुए हैं सबसे रियर में, तो ये बताइए पीछे आप बैठते हो तो कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल है और एसी वगैरह कूल कर देता है अच्छे से, भी ज़्यादा है काफ़ी ओके। अच्छा बात कीजिए इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में, बूट स्पेस कितना है, कंफर्टेबल है सारा चीज़? बूट स्पेस पहले से थोड़ा बढ़ाया है, पहले से थोड़ा बढ़ाया है, हाँ इसका बूट स्पेस ज़्यादा है, पहले थोड़ा कम था लेकिन इसका अच्छा है, ठीक है। ओके ओके। सो दोस्तों ये है इनकी स्विफ्ट है और काफ़ी अच्छा लगे इनसे बात करके। जो आपके डाउट थे बेसिकली कि 3 सिलेंडर प्रॉब्लम करेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ और इन्होंने गाड़ी चला ली तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास में और ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक इनको समझ में नहीं आया। एसी वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से इनका कूल कर रहा है। और माइलेज अभी बता सकते हैं कितना मिला है? तो कंपनी तो 28 का क्लेम कर रही है बट अभी तक जो मैंने चलाया अभी 15-16 का दे रही है क्योंकि अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, फर्स्ट सर्विस के बाद माइलेज थोड़ा सा खुलता है। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट सर्विस के बाद कुछ नहीं तो 20 अभी जो मतलब जिन लोगों ने ली है, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, हाँ। उन्होंने ये मॉडल लिया हुआ है तो मैंने उनसे पूछा है तो वो बोल रहे हैं कि हाँ 20-25 के आसपास दे रही है एवरेज, 20-25 के आसपास का दे रही है आराम से। उन्होंने थोड़ी ज़्यादा चला ली, उन्होंने ज़्यादा चला ली है। हाँ चलिए हम लोग उनके साथ भी रीच करेंगे क्योंकि ज़्यादा चला ली तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस बता सकते हैं और सबका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग अलग होता है। ओके बाकी इसका स्पीकर वगैरह कैसा है, म्यूजिक ठीक है, बाहर से ऐसा जरूरत नहीं है कुछ ऐड कराने की जरूरत है? बेस की स्पीकर वगैरह अगर हम देखें तो काफी क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है और अगर आप इसका स्पीकर सुनना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जा सकते हैं, आईडी आपके सामने, अभी नहीं चलाएंगे वीडियो में नहीं तो अदरवाइज वो कॉपीराइट आ जाएगा। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पे मैं आपको इसका पर्टिकुलर पूरा अच्छे तरीके से स्पीकर आपको सुना दूंगा। सो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बेस ट्यूब लगाने की जरूरत ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है सब ओके। चलिए ओके थैंक यू सो मच हिमांशु भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं आपकी गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चले। बाकी नेक्स्ट टाइम जो आप थोड़ा सा ज़्यादा गाड़ी को चला लेंगे 10,000+ तब फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप एक अच्छा सा रिव्यू दीजिएगा लोगों के। श्योर श्योर ओके। सो मिलते हैं नए वीडियो साथ में, थैंक यू सो मच गाइस।